तीन साल में जब हमने 3 साल पहले एक पॉडकास्ट किया था, वो मेरा मेरा भी मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट था और मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ ऊपर वाले का रहमो कर्म है कि मैंने पहला पॉडकास्ट प्रफुल के साथ किया था। इन 3 सालों में प्रफुल में क्या क्या बदला है, क्या क्या बदलाव आए? फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स बहुत सारा। उसके बाद हमने कोविड देखा, 2 फेज ऑफ कोविड देखे, परिवार को, कई परिवार के लोगों को खोया है, खुद ने पर्सनली तो इतना कोई लॉस नहीं हुआ पर कई दोस्तों को खोया है जो कोविड में। उसके बाद बिजनेस कोविड में बहुत रुका था, फिर MBA चालन पिछले 1.5 से 2 सालों में काफी ग्रोथ की, 200 से ज्यादा आउटलेट्स पूरे भारत में, फिर इंटरनेशनल एक्सपांशन, फिर मैंने पूरा भारत घूमा, पैसे वाला भारत घूमा, कमा के घूमा, अच्छी होटलों में रहा, अच्छे लोगों से मिला, 4 धाम कंप्लीट करे, 4 धाम उत्तराखंड के, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ कंप्लीट किया। 4 धाम भारत के, तो बद्रीनाथ आता है जिसमें रामेश्वरम धाम आता है, जगन्नाथ पुरी धाम आता है उड़ीसा में, फिर द्वारिका, ये 4 खत्म किया। फिर 9 से 10 ज्योतिर्लिंग घूमा, भारत के विभिन्न विभिन्न इलाकों में गया, लोगों से मिला, बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, इन्फ्लुएंसर से मिला जो इस देश को चला रहे, इस दुनिया को चला रहे, एक बेहतर वर्ल्ड दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, जॉब्स दे रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं, कंपनीज खड़ी कर रहे हैं, IPOs लेके आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब नई पर्सपेक्टिव में मैंने एक चीज समझी है कि जिंदगी थोड़ी लंबी है, धंधा भी लंबा है, मैराथन है एक्चुअली में, कोई हार्ड एंड फास्ट का गेम नहीं होता बिजनेस में, और इट्स नॉट ए स्प्रिंट कि आप 100 मीटर आपको दौड़ के खत्म करना है, वो सीखा है। फिर कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है, तो जहाँ पे खुद तो कर ही रहे हैं काम, दूसरे लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं उनको थोड़ा पैसे की मदद, थोड़ा ज्ञान की मदद, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, सूद सवाल में ला के उन्हें अपने विजन को एक्सपांड करना, उनके विजन को बढ़ाना, क्या सही है क्या गलत है, खुद को बहुत समझा कि कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, कहाँ सच है, क्योंकि सिंस इट इज अ मैराथन यू टेक सो मच टाइम टू कॉन्टेप्लेट एंड यू पॉन्डर अपॉन सो मेनी थिंग्स दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग विद इन द बिजनेस, आउट ऑफ द बिजनेस, विद इन यू, इट्स मेजरली यू वर्सेस यू विच आई ऑलवेज टेल। तो खुद से मिलने की कोशिश करी, बहुत सारी चीज ऑब्जर्व करी, तो मुझे ऐसा लगता है एम अ बेटर पर्सन नाउ एंड आई सी माई सेल्फ एज द वन हु इज स्टिल गोइंग ऑन लाइक ऑलवेज। एंड एक और चीज बहुत ज्यादा मैंने ऑब्जर्व करी है कि जो दुनिया हम लोग देखते हैं एक अलग नजरिए से, बीइंग एन ऑडियंस, वो एक जब आप खुद प्लेयर बन जाते हो, जब अरीना में होते हो, तो वो बहुत अलग होता है। तो ये 3 सालों में मैंने सीखा, और बात नहीं ऐसी तो बहुत सारी चीजें सीखी, बट आई थिंक दैट्स सम ऑफ द होल क्वेश्चन हियर। क्रेजी, बहुत बढ़िया। लेकिन एक और चीज जो बताना भूल गए, जो उन्होंने पिछले 3 सालों में एक और किरदार निभाया, वो है एक हस्बैंड का और एक फादर का। पिताजी का। सो आई मैरिड एंड आई हैव माय ब्यूटीफुल वाइफ कॉल्ड श्रेया एंड माय सन मिराज, जो मैंने अभी रिसेंटली पब्लिक किया उनको। सो आई एम हैप्पी बिकॉज अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, अगर आप परिवार को भी अच्छे से लेके चलते हैं, परिवार को भी संभालते हैं, तो यू बिकम अ बेटर पर्सन। इफ यू बिकम अ बेटर पर्सन, यू कैन मेक अ बेटर कंपनी। अरे इनका बेटा तो लिटरली इंस्टाग्राम स्टार बन गया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके